इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आज देश करगिल के शहीदों को याद करते हुए विजय दिवस मना रहा है। आज से 22 साल पहले करगिल बटालिक और द्रास के दुर्गम पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तानियों को भारतीय फौज ने मार गिराया था। आज द्रास में बने वॉर मेमोरियल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में श्रद्धांजलि देंगे। विजय दिवस के समारोह इस बार इसलिए भी खास हैं क्योंकि देश 1971 की लड़ाई के 50 साल का जश्न भी मना रहा है। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। साथ ही आज करगिल विजय दिवस भी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक दिन पहले ही वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में लैंप जलाया। इस मौके पर आर्मी 1000 किलोमीटर की बाइक रैली भी निकाल रही है। यह दिन उस पराक्रम को याद करने का दिन है जब घर के अंदर घुस आए दुश्मन को भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए घर से निकाल बाहर फेंक दिया था। आज से ठीक 22 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों पर भारतीय फौज की आर्टिलरी ने गोले बरसाने शुरू किए, जिसके बाद चोरों की तरह छिपकर बैठा दुश्मन तहस नहस होने लगा। इस बीच भारतीय शूरवीर -20 डिग्री की ठंड और खड़ी चढ़ाई के बीच दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बिना ऊपर चढ़ गए और अपनी बंदूक में भरा हुआ सारा लोहा दुश्मन की छाती में उड़ेल दिया। 1947 में दो मुल्क बनने के बाद पाकिस्तान के लिए ये चौथी करारी हार थी। 3 मई 1999 से शुरू हुआ ऑपरेशन 26 जुलाई को ऐतिहासिक विजय के साथ पूरा हुआ होगा, लेकिन पीछे छोड़ गया उन सैकड़ों बहादुर जवानों की दास्तान जो आज भी करगिल की इन वादियों में गूंजती है। द्रास में बने इस मेमोरियल में टिमटिमाती है, यहाँ आने वाले हर शख्स को कहानी सुनाती है और बताती है कि कैसे तोलो लिंक से टाइगर हिल तक हमारे बहादुर जवानों ने चोटी चोटी पर वीरता की अमर गाथा लिख दी। ये तोलोलिंग पहाड़ी है, सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर्स इस पहाड़ी पर 22 दिन तक युद्ध लड़ा। इसमें इसमें दो अफसर, दो जूनियर कमीशन और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के ये पहाड़ी 13 जून को हिंदुस्तान ने वापस ली और उसके बाद ये अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टाइगर हिल। इसी टाइगर हिल के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपनी वीरता शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए इस माँ भारती की आन और बान को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे साथ में भी 6 साथी थे जो अपने कर्तव्य प्राणता के लिए अपने आप को अपने इस देश के लिए और सेना के लिए कुर्बान कर दिया। ये चुनौती थी जिसके बाद शुरू हुआ विजय अभियान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।